मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस वक्त देखिए एक अन्य मार्ग मुख्यमंत्री आवास से निकल चुके हैं और सीधे उनका काफिला राजगीर जाएगा और वहाँ यहाँ से वो हवाई मार्ग से राजगीर पहुँचेंगे और फिर वहाँ से सड़क मार्ग होते हुए वो गया जाएंगे। गया में विष्णुपद मंदिर में वो पूजा अर्चना भी करेंगे। साथ ही साथ देखिए लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेने के लिए भी निकलते हैं और तमाम जो निर्देश है वो अधिकारियों को मिलता है। देखिए इस वक्त जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से एक अन्य मार्ग मुख्यमंत्री आवास है ये और यहाँ से सीधे मुख्यमंत्री निकल रहे हैं और यहाँ से राजगीर जाएंगे और राजगीर के बाद जो है तमाम जगह पर जो है वहाँ पर जा करके जो है गया भी जाएंगे और वहाँ पर पूजा अर्चना करेंगे। तो साफ तौर पर तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस वक्त पहुँच चुके हैं और यहाँ से मुख्यमंत्री राजगीर पहुंचने के बाद सड़क मार्ग से गया जाएंगे। गया जाने के बाद विष्णुपद मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे, उसके बाद गंगा उद्यम योजना का निरीक्षण करेंगे, साथ ही साथ वो कई विकास कार्य योजना का भी निरीक्षण करेंगे। आपको पता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है लगातार अपने कार्यकाल में जिस तरह का उन्होंने काम किया है, जिसके बाद NDA की तरफ से ये बयान आते भी हैं कि नीतीश कुमार विकास पुरुष है और विकास के नाम पर वो तमाम काम बिहार में हुआ है, ऐसा दावा रहता है और विकास कार्य जो होते हैं उसका निरीक्षण जायजा खुद मुख्यमंत्री लेते हैं और इसलिए आज वो जब राजगीर के लिए निकले तो ये कार्यक्रम तय था कि वो यहाँ से गया भी जाएंगे राजगीर होते हुए और गया जाकर के जो योजना की शुरुआत हुई है, जो योजनाएं चल रही हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, उन सभी योजनाओं का जायजा भी लिया जाएगा। तो साफ तौर पे तस्वीरें हमने आपको दिखाया किस तरह से मुख्यमंत्री अभी से कुछ देर पहले जो है एक अन्य मार्ग से निकले हैं और यहां से सीधे तौर पर उनका जो कार्यक्रम है वो आज का तय है और उसके बाद जो है तमाम कार्यों का, जो कि जिस तरह से कहा जाता है NDA में, वो तमाम जो काम है वो किए जाते हैं मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद। और जब बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का भी जायजा लेने के लिए CM खुद निकले थे हवाई मार्ग से, तो उन्होंने साथ में तमाम अपने कोटे के मंत्री को भी रखा था। जल संसाधन मंत्री संजय झा उनके साथ हमेशा मौजूद होते थे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब वहाँ से लौटते थे तो पत्रकारों से बातचीत भी करते थे और कहते भी थे कि जो निर्देश है, जो बचाव के लिए राहत कार्य में जो लोग लगे रहते हैं, जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, उन सभी जगह पर जो है मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं जो राहत कार्य है उन लोगों के लिए चलाया जाएगा। तो साफ तौर पे तमाम निर्देश जो है वो लगातार दिया जाता है और एक अन्य मार्ग में बैठ करके मुख्यमंत्री जो है बैठक भी करते हैं अधिकारियों के साथ। तो सीधी तस्वीरें हमने आपको दिखाई, एक अन्य मार्ग मुख्यमंत्री आवास से सीधे मुख्यमंत्री निकले हैं, यहाँ से हवाई मार्ग से राजगीर और उसके बाद वहाँ से सड़क मार्ग से गया जाएंगे, विष्णुपद मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। सीधे तस्वीरों के साथ आपको छोड़े जाते हैं। और सड़क मार्ग होते हुए